हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर चैनल आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट द टॉपिक फॉर टुडे इज सोर्सेस ऑफ बिजनेस एथिक्स तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले है रिलीजन कहा जाता है रिलीजन इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एथिक्स वर्ल्ड में बहुत सारे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं लोग एंड दे अग्री ऑन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हर रिलीजन में बताया जाता है दैट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट वाइल डूइंग दी बिजनेस एंड इन दी अदर फेसेस ऑफ लाइफ रिलीजन एक इंडिविजुअल का बेसिस होता है जो कि वो बचपन से फॉलो करता आ रहा है एंड ये उसके बिहेवियर में दिखाई देता है वो जो भी करता है उसे पता है क्या गलत है क्या सही है कौन अच्छा है और कौन बुरा है एंड उसे अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी पता रहता है एंड द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी मीन्स एक्सचेंजिंग थिंग्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स इज सीन इन एवरी रिलीजन सच एज़ हिंदुज़म बौद्धिज्म क्रिश्चियनिटी इस्लाम एक्सेट्रा एंड जो ग्रेट रिलीजन होते हैं वो सिर्फ नेसेसिटीज़ पूरी हो जाएँ सिर्फ इतना ही अर्न करने को कहते हैं एंड एम्फोसाइज करते हैं दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी नेक्स्ट सोर्स इज कल्चर कल्चर अ सेट ऑफ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स दैट इंप्लाइज ऑफ अ कंपनी शेयर इन कॉमन इसमें बेसिक चीज आती है जैसे कि वैल्यूज़ आइडियाज परस्पेक्टिव प्रेफरेंसेज मोरालिटी कोड ऑफ़ कंडक्ट एक्सेट्रा कल्चर जनरेशन टू जनरेशन पास होता है जब हम कल्चर की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी के नॉलेज पैटर्न्स क्या हैं आइडियोलॉजीज वैल्यूज़ लॉज एंड सोशल नॉर्म्स डे टू डे रिचुअल्स क्या हैं ये सब कल्चर एक ऐसी चीज़ है दैट इंकरेजिज इम्प्लॉइज़ कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को प्रेफरेंस दें इंस्टेड ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट कल्चर ऑल्सो हेल्प्स इन शेपिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी सो ओवरऑल कल्चर हमें बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है एंड किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है एंड अनएक्सेप्टेबल है द थर्ड एंड लास्ट सोर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स इज लॉ लॉ इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक कंट्री के लीगल सिस्टम ने बनाया है ये ह्यूमन का बिहेवियर गाइड करता है that how he is supposed to behave in society and if a business comply with rules made for business then the business is considered to be ethical one and sometimes kya hota hai business breaks the law by tax evasion hoarding adulteration selling goods at high price with poor quality creating environment pollution by going beyond their limit of daily production एंड कहा जाता है दैट सारा एथिकल बिहेवियर लॉ में कवर नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ आउटर एनवायरनमेंट चेंजेस बट उसके साथ साथ लॉ भी चेंज होता है पर उतने पेस के साथ नहीं जितनी जल्दी कि हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है ऑब्वियसली लॉ में चेंजेस करने के लिए टाइम लगता है बट एनवायरमेंट तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है तो वो चेंज होता रहता है बट लॉ में हमें बहुत कुछ कंसिडर करना पड़ता है सो so फ्रेंड्स These are the three sources of business ethics. I hope you got all these three points very clear. We will meet you in our next video with another great topic. Till then, take care, bye bye, and thank you.